Hello everyone, welcome you on Schooling Guide, and today we are going to read a very important and very interesting chapter of class 7, and this is Devotional Paths to Divine. I am saying Devotional Paths to Divine. इसका मतलब है कि devotional का मतलब भक्ति के और paths का मतलब है रास्ते, ना कि रास्ता. तो यहाँ पर हम बहुत सारे रास्तों की बात करने वाले हैं. Devotional Paths to Divine यानी कि भगवान तक पहुंचने के, परम सत्ता ईश्वर तक पहुंचने के जो अलग अलग रास्ते हमें अलग अलग भक्ति मूवमेंट के सेंट्स ने दिए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल. और हम में से कोई ना कोई किसी ना किसी धर्म को फॉलो करता है तो हम कहीं ना कहीं ये सारी बातें हमसे भी रिलेट करेंगी कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे. क्योंकि जब हम एंशियंट पीरियड की बात कर रहे थे, एंशियंट हिस्ट्री की क्लास 6 में, तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी कि आर्यन से हुई थी. आर्यन से पहले भी लोग जो है शिव और शक्ति में बिलीव करते थे. उसके बाद जो है आर्यन उठे, हवन करते थे और जो है वो फाइव एलिमेंट में बिलीव करते थे, पंच तत्वों में उनकी पूजा किया करते थे और वो ओपन स्पेस में बैठ के हवन वगैरह करते थे. फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए. आगे फिर हमने देखा कि ये जो है जो वैदिक सिस्टम था और जो कास्ट सिस्टम था, इसमें लोगों को जो है प्रॉब्लम हो रही थी, लोअर कास्ट वाले लोगों को. तो वो एक ऐसे धर्म चाहते थे जो सभी में इक्वालिटी लाए, सभी को एक समान रूप से ट्रीट करे. तो वो उसके बाद फिर आता है जैनिज्म. लेकिन जैनिज्म बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था, वो बहुत मुश्किल हो रहा था सभी लोगों के लिए. उसके रूल एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट थे, तो वो हर आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो रहे थे उनको फॉलो करना. तो उसके बाद फिर आता है बुद्धिज्म. बुद्धिज्म ने एक मिडिल पाथ बताया कि जिसमें जो है आप अपने शरीर को बिना बहुत कष्ट दिए हुए और बिना किसी सेलिब्रेसी या फिर बिना किसी बहुत ज़्यादा टॉर्चर के या बिना भोजन के या बहुत ज़्यादा अपनी इंद्रियों को बिना कंट्रोल करे, आप सिर्फ अष्टांगिक मार्गों को फॉलो करते हुए आप भगवान के रास्ते पर चल सकते हैं. अब फिर करते करते अब हम आ गए हैं यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री में, यानी कि 8th सेंचुरी से लेके और 18th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड था, दैट वाज मेडिवल पीरियड. और मेडिवल पीरियड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, अर्ली मेडिवल पीरियड और लेट मेडिवल पीरियड. तो 8th से लेके 13th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है वो है अर्ली मेडिवल पीरियड, और जो उसके बाद वाला टाइम पीरियड है 18th सेंचुरी तक का, वो कहलाएगा लेट मेडिवल पीरियड. तो अब हम यहाँ पर अर्ली मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे, हम यहाँ पर नाथ पंथ की बात करेंगे, हम यहाँ पर शंकराचार्य की बात करेंगे, हम यहाँ पर रामानुजाचार्य की बात करेंगे, हम यहाँ पर गुरु नानक देव की बात करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर, बहुत सारे सेंट्स, उनकी अलग अलग विचारधाराएं, उनकी आइडियोलॉजी, उनका ईश्वर तक पहुँचने का तरीका. इसीलिए इस चैप्टर का नाम पाथ्स है. सबका मतलब एक ही था कि सेल्वेशन को पाना, ठीक है, भगवान को किस तरीके से पा लेना है, मोक्ष किस तरीके से पाना है. लेकिन सबके तरीके अलग अलग थे, सबके बताए गए तरीके अलग थे. किसी ने कहा कि नॉलेज के थ्रू आप भगवान को पा सकते हैं, तो किसी ने कहा प्रेम के थ्रू आप भगवान को पा सकते हैं, तो किसी ने कहा सिर्फ गा बजा कर आप भगवान को पा सकते हैं. तो वही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. बताऊंगी आपको कि अल्वराज क्या होता है, बताऊंगी आपको कि ज्ञानार्थ क्या थे, उसके बाद बहुत और भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमें अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, उसके बाद रामानुजाचार्य के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने हमें द्वैतवाद का सिद्धांत दिया. तो क्या थे ये सिद्धांत, क्या थी इनकी फिलॉसफी, क्या थी इनकी सोच, वो सब हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चैप्टर का नाम मैंने अभी आपको बताया, डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन, यानी कि ईश्वर तक पहुंचने के जो डिवोशनल तरीके थे, भक्ति के मार्ग थे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दिस इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर 6th, 7th और 8th क्लास, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी इसको देख सकता है, टाइमलेस है, कभी भी आप इसको देख सकते हैं, आपके हमेशा काम आने वाला चैप्टर है, ठीक है. तो सबसे पहले भक्ति मूवमेंट की बात करेंगे. तो भक्ति मूवमेंट में जो है बहुत सारे अलग अलग सेंट्स आए, जैसे नाथ पंथ थे, तो नाथ पंथ जो है मूर्ति पूजा वगैरह में बिलीव नहीं करते थे और उनको, उनका मानना था कि सेल्वेशन के थ्रू हम भगवान को पा सकते हैं, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा का, कास्ट सिस्टम का, ये सारी चीजों का विरोध करा था. उसके बाद फिर हम बात करेंगे सूफी मूवमेंट क्या था. तो जो मुस्लिम्स में, मतलब इस्लाम्स में जो रिचुअल्स चले आ रहे थे, तो उन रिचुअल्स से अलग थोड़ा सा गा बजा के, मतलब कव्वाली के थ्रू गा के डायरेक्ट और ईश्वर को कनेक्ट करने का जो तरीका था, दैट वाज कॉल्ड सूफिज्म. उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे अभी. और उसके बारे में न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया, तो जो और भी नॉर्थ इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ, जो राइज हुआ, जो जिस तरीके से एकदम ये जो भक्ति मूवमेंट था
वो इधर उधर स्प्रेड होने लगा, उसके बारे में बहुत डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं हर चीज को बहुत डिटेल में। उसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं अच्छा मेडिवल पीरियड्स ऑफ ग्रोथ ऑफ टू रिलीजियस मूवमेंट इन इंडिया। अब इंडिया में जो मेडिवल पीरियड था, मेडिवल पीरियड का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, तो इस पीरियड में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाई दी रिलीजियस डेवलपमेंट की। जैसे पहले तो सब कुछ, पहले तो लोग जो है मतलब जो आर्यंस थे वो तो पांच तत्वों की पूजा कर रहे थे, उसके बाद फिर सब अलग अलग सिद्धांत दिए गए, फिर कास्ट सिस्टम और ये वो आगे चलते चलते, और फिर जब हम यहाँ पे आते हैं तो कई सारे नए रिलीजन्स आए और लोग अलग अलग तरीके से भक्ति मार्ग को फॉलो करने लगे। तो उसमें तो हो गया, एक तो हो गया भक्ति और एक हो गया सूफी, दो तरीके के मार्ग में डिवाइड हो गया, दो तरीके के रास्ते थे, एक था भक्ति और दूसरा था सूफी। मैंने अभी आपको बताया सूफी क्या है और अभी आपको बताया भक्ति क्या है। भक्ति के अलग अलग तरीके थे, किसी का कहना था कि नॉलेज के थ्रू आप नॉलेज रख के ईश्वर को पा सकते हैं, किसी का कहना था कि आप ईश्वर ईश्वर के समीप अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर कर दो तो आप भगवान को पा सकते हैं। अलग अलग किसी ने कहा सिर्फ आप भजन करके भगवान का गा बजा कर आप भगवान को पा सकते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, तो उस तरीके से आप सिर्फ गा बजा के और चैंटिंग करके भी आप भगवान को पा सकते हैं, आप सेलिब्रेशन या मुक्ति पा सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। भक्ति मीन्स डिवोशन, आप सभी जानते हैं कि भक्ति डिवोशन मतलब भक्ति होता है, भक्ति मतलब डिवोशन होता है, तो डिवोशन का मतलब होता है भक्ति और भक्ति का मतलब डिवोशन, मतलब कि भक्ति वर्ड बहुत कॉमन है, उसे अलग अलग तरीके से यूज करा जाता है, नाउन में भी यूज करा जाता है, एडजेक्टिव में भी यूज करा जाता है, जैसे मैं भी भक्ति मूवमेंट यूज कर रही हूँ एडजेक्टिव में, और भक्ति की मतलब भक्ति को कई तरीके से यूज करा जाता है, भक्ति मतलब भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाना या उनको ग्लोरीफाई करना। तो दे ग्लोरीफाई गॉड थ्रू म्यूजिक हिम्स एंड लेट सिंपल लाइफ। अच्छा अब ये लोग क्या थे जो भक्ति पीरियड के जो सेंट थे, तो वो गा बजा के और अपनी हीम्स जो वो कंपोज करते थे अपने तरीके से, वो लाइनें लिखते थे, सुंदर सुंदर भजन लिखते थे भगवान की प्रशंसा में, तो वो उनको गाते थे और म्यूजिक के थ्रू वो भगवान से कनेक्ट करते थे। इस पीरियड के लोग, जैसे अगर मीराबाई की बात करते हैं तो कबीरदास जी की बात करते हैं, दोहे के थ्रू वो भगवान से कनेक्ट करते थे और अपना मैसेज अलग अलग तरीके से लोगों तक उन्होंने पहचानवाया या फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से लोगों को ईश्वर के बारे में समझाने की कोशिश करी। ठीक है, तो अब देखिए, और ये लोग जो थे जो भक्ति पीरियड के जो सेंट थे वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे और सिंपल कपड़े पहनते थे। आपने इनको फोटो में देखा होगा, क्योंकि हिस्ट्री तो ऐसा है कि हिस्ट्री तो सिर्फ हम किताबों में देख सकते हैं या फिर हम ओरल ट्रेडिशन के थ्रू किसी से सुन सकते हैं कि हमारे कोई बड़े बुजुर्ग हमारे पूर्वज हमें बता दें कि भैया उस जमाने में ऐसा होता था, तो वो पिक्चर ही हमारे माइंड में जो है वो बस जाती है, वो हमारे हमेशा के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। तो उसी तरीके से ये जो है मतलब आपने देखा होगा, जैसे कबीरदास की पिक्चर देखी होगी, तो अगर आपसे कोई कहेगा कि कबीरदास की फोटो बनाओ तो आप वही बनाएंगे जिसमें दिखाई देता है एक पंख जैसा लगा हुआ या कुछ, या कोई कहेगा मीराबाई बनाओ तो मीराबाई आपको एक भगवा से कलर की साड़ी पहने हुए और अपने हाथ में वीणा जैसा लिए हुए और एक तारा लिए हुए, तो वो मीरा आपको उसी तरीके से दिखाई देगी। तो ये बहुत ही सिंपल कपड़े पहनते थे और सिंपल लाइफ के लोग जीते थे। उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे। ठीक है, तो डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड जो भगवान विष्णु के डिवोटीज थे वो अल्वराज कहलाते थे और जो शिव के डिवोटी थे वो नैनार्स कहलाते थे। ठीक है, तो ये 8th सेंचुरी की बात चल रही है। मैंने बताया आपको मेडिवल पीरियड जो था वो 8th सेंचुरी से लेके और 18th सेंचुरी तक की हम बात करेंगे। तो 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द भक्ति मूवमेंट बिकेम पॉपुलर इन साउथ इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय अल्वराज। तो ये साउथ इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ और ये स्टार्ट करा गया अल्वराज के द्वारा। और अल्वराज कौन थे? वो लोग जो भगवान विष्णु को मानते थे, द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु। एंड द न्यानार्स कौन थे? न्यानार्स वो लोग थे द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, यानी कि लॉर्ड शिवा के जो डिवोटी थे, जो लॉर्ड शिवा को मानते थे वो कहलाए न्यानार्स, और जो भगवान विष्णु के थे वो कहलाए अल्वराज। द डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा दे केम फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड फॉलोअर डिफरेंट ऑक्यूपेशन, वो अलग अलग कास्ट के थे और अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे। सम हिस्टोरियन ऑल्सो बिलीव दैट द अल्वराज एंड न्यानार्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मण्स। तो ऐसा भी माना जाता है, कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा भी कहना है कि उन्होंने कास्ट सिस्टम का भी विरोध करा और ब्राह्मणों का भी विरोध करा। वो जगह जगह ट्रेवल करते थे वो, और अपनी जो मतलब जो उनकी हिम्स होती थी, जो उन्होंने कंपोज करी थी उनको गाया करते थे और भगवान के बारे में चर्चा किया करते थे। और उसके बाद
यहाँ वहां वो पूरा मतलब साउथ में वो ये सारे गाते फिरते थे, तो वहां के राजाओं ने उन जगहों पर टेम्पल्स बनवा दिए और बाद में वही क्या बन गए, वही पिलग्रिमेज बन गए, पिलग्रिमेज सेंटर बन गए, वहां पर जो है तीर्थ स्थान बन गए वो बाद में, जहां पर जो ये सेंट थे ये गाया करते थे भगवान के बारे में, उनकी प्रशंसा में ये गाया बजाया करते थे। अब हम बात करेंगे द सेंट ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के दो इम्पोर्टेंट सेंट हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले आदि शंकराचार्य और दूसरे रामानुजा। तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य के बारे में थोड़ा बताती हूँ आपको। तो इनका जन्म केरला में हुआ 8th सेंचुरी में, और बचपन से ही इनका जो इनकी जो तौर तरीके थे वो बहुत फिलोसफिकल थे, इनकी बातें जो थी वो थोड़ी सी अलग होती थी आम भाषा से, और छोटी ही आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है। और इनका नाम शंकर था बचपन का, और उसके बाद दे स्प्रेड द मैसेज ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, और इन्होंने और रामानुज ने दोनों ने मिलकर साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट का प्रचार प्रसार किया। तो शंकराचार्य के बारे में पढ़ते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि शंकराचार्य का जन्म 8th सेंचुरी में केरला में हुआ था, और वो बहुत ही बचपन से ही बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर थे, और वो हमेशा उन्होंने किस चीज़ की, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने एडवोकेट किया अद्वैतवाद को। अद्वैतवाद में क्या था मैं आपको बताती हूँ, अद्वैतवाद में था उन्होंने कहा था कि जो हमारी जो मनुष्य की आत्मा है और भगवान की जो आत्मा है वो कोई अलग अलग दो सोल नहीं है, ये एक ही है, लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है, हमारे अंदर अज्ञान है, तो इस कारणवश हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। मैं आपको यहाँ से भी बताती हूँ, ही बिलीव दैट देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन द सोल ऑफ मैन एंड सोल ऑफ गॉड, कि भगवान की आत्मा में और मैन यानी कि हमारी आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। द वे टू सेल्वेशन वॉज थ्रू नॉलेज, और अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है नॉलेज। ही सेट अप 4 मठास, उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में है, दूसरा श्रृंगेरी कर्नाटका में है, तीसरा पुरी उड़ीसा में है, और गुजरात में है आपका द्वारिका। इस तरीके से इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी और अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, जिसका मतलब था कि ईश्वर की आत्मा और इंसान की मनुष्य की आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्योंकि हमें उतनी नॉलेज ही नहीं है, हमें उतना ज्ञान ही नहीं है, तो इस वजह से हमें पता नहीं चल पाता और हम समझ ही नहीं पाते, हम ईश्वर को अपने से अलग मानते हैं। उसके बाद रामानुज की बात करते हैं। रामानुज वाज बॉर्न इन तमिलनाडु, इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और 11th सेंचुरी में हुआ था। ही वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय अल्वाराज, ये अल्वाराज से बहुत इन्फ्लुएंस थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो अल्वाराज कौन थे, वो लोग जो विष्णु के डिवोटी थे, विष्णु के भक्त थे, दे वर कॉल्ड अल्वाराज। ही फॉर्मली बिलीव दैट इंटेंस डिवोशन टू विष्णु वाज द बेस्ट मीन्स टू अटेन सेल्वेशन, ठीक है। अगर आप भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु से प्रेम करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं, तो ये मुक्ति का मार्ग है, ठीक है, इन्होंने ये कहा। अब आप देखते जाइए, आपको बहुत सारे सेंट अभी मिलेंगे इस चैप्टर में, और पीछे आपने जैनिज्म के बारे में पढ़ा, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, तो सबका पर्पज एक ही था, ईश्वर तक पहुंचना, सेल्वेशन को पा लेना, मोक्ष को पा लेना, लेकिन सबके तरीके अलग अलग थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है भगवान विष्णु को पा सकते हैं, अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उनकी उपासना करो। और उन्होंने कहा कि विशिष्ट अद्वैत, अभी हमने पढ़ा अद्वैत, अब हम कह रहे हैं विशिष्ट अद्वैत। तो ही प्रोफाउंड द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैत। तो विशिष्ट अद्वैत क्या है, विशिष्ट अद्वैत में उन्होंने कहा कि अब हम, मैंने पहले कहा कि इंसान की आत्मा और भगवान की आत्मा एक ही है, ऐसा किसने कहा, शंकराचार्य ने कहा, और इन्होंने कहा क्या कहा कि इंसान की आत्मा और भगवान की आत्मा है तो अलग अलग, लेकिन बिल्कुल ऐसे है एक सूरज और जैसे सूरज की किरणें, ठीक है, बिल्कुल इतना सा ही डिफरेंस है दोनों, तो ये इन्होंने बताया, तो इसे कहेंगे विशिष्ट अद्वैत। अब रामानुजा आर्ग्यू दैट द ग्रेस ऑफ गॉड वाज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। अब उन्होंने कहा कि नॉलेज के थ्रू हम भगवान को पा सकते हैं, इन्होंने कहा कि भगवान की कृपा नॉलेज से भी ज्यादा जरूरी है, मतलब भगवान की कृपा हम कैसे पा सकते हैं, कृपा पाने के लिए तो नॉलेज की जरूरत नहीं है, कृपा तो हम चैंटिंग के थ्रू भी पा सकते हैं, कृपा तो हम देखो अब सबरी को भगवान ने सिर्फ उन्होंने बेर खिलाया तो भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, तो कृपा तो हम भगवान की कैसे भी मतलब प्रेमवश होकर कैसे भी भगवान हम पर कृपा कर सकते हैं, उसके लिए नॉलेज की तो नीड नहीं है ना। तो इन्होंने कहा कि कोई आपको सिर्फ भगवान की कृपा जरूरी है आपके ऊपर होना, और आपको किसी नॉलेज की नीड नहीं है, और आप भगवान को अपने भगवान के सामने आप अपने आप को सरेंडर कर दें, आप अपने आप को भगवान के सामने सरेंडर कर दें। ही आस्क्ड द पीपल टू सरेंडर देमसेल्फ कंप्लीटली इन द हैंड ऑफ गॉड, बिल्कुल भगवान को सौंप दे, भगवान ने करा, भगवान ने ऐसा करा, भगवान ने वैसा करा। और एक इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है,
अभी बहुत छोटी स्टोरी है, एक सुनाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, तो वो बचपन से ही राम भरोसे बोलता था। तो राम भरोसे बोलते बोलते एक दिन उसने, मतलब उसकी शादी हो गई, तो वो उसकी छोटी सी दुकान थी और उस पर बहुत ज़्यादा मतलब ग्राहक आते थे, बहुत अच्छा उसका कारोबार चलता था। तो जब उसकी शादी हो गई तो पत्नी कहने लगी कि हमारे पास इतना धन है, फिर भी आप एक छोटी सी दुकान पर आप अकेले क्यों काम करते हैं? आपको बोले नहीं, मैं अकेले नहीं करता, तो मेरे साथ तो वहाँ पर प्रभु रहते हैं, मैं तो राम भरोसे हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई राम भरोसे नहीं, तुम अकेले काम मत करो। और उसने एक बड़ी दुकान बनवाई और बड़ी दुकान पर वहाँ पर उसको घर बिठा दिया अपने पति को, और वहाँ पर वो मतलब उसका पति जो था वो घर में रहने लगा और वहाँ पर नौकर जाकर काम करने लगे। उनका व्यापार कारोबार धीरे 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 गिरने लगा। अब जब व्यापार कारोबार धीरे धीरे नीचे नीचे गिरने लगा, तो फिर एक दिन पत्नी ने कहा कि ठीक है आप जाके देखो, हो सकता है नौकर सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा होगा। तो वो गई, फिर वो पीछे पीछे पत्नी भी देखने के लिए गई कि आखिर क्या वजह है, मैं भी देख के आऊँ। तो उसने देखा कि जब उसका पति सबको यही बोल रहा था, कम तोल रहा था, ज़्यादा तोल रहा था, जो उसे कुछ भी होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस वो यही बोलता था, लो जी राम भरोसे, लो जी राम भरोसे। कम देता था तब भी यही बोलता था राम भरोसे, ज़्यादा देता था तब भी यही बोलता था राम भरोसे, कोई उसको कम पैसे दे जाता तब भी यही बोलता, उसे कोई घमंड, कोई किसी तरीके का कोई ओवर स्मार्टनेस कुछ उसके दिमाग में थी नहीं, तो राम भरोसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के आगे अपना अपने आप को सरेंडर कर देना, उनको सौंप देना कि हे ईश्वर आप जो भी कर रहे हैं वो आप हैं, ये मेरा अपना मेरी अपना समझ है ये, तो मैंने इसमें आपको बताया। तो ही कंसीडर्ड भक्ति मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज, तो इन्होंने भक्ति को नॉलेज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया। तो ये बात यहाँ तक की हो गई, आगे हम पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है कल की वीडियो में, अभी ये काफ़ी लंबा हो गया है। तो कल हम वेस्ट इंडिया के और ईस्ट इंडिया के जो सेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ेंगे और शंकर देव, रामानुजाचार्य, रामानंदा वगैरह, गुरु नानक, ये सब हम आगे की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बार बार कहूँगी। तो फिर कल या परसों जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, विल अपलोड द वीडियो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।